नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार अभी जिला चिकित्सालय बैणन में मैं उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर जिला चिकित्सालय के जिला बैणन हॉस्पिटल के स्टाफ जो कोविड स्टाफ जो यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में भर्ती किए गए थे, आज उन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है। आइए हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं, इनका क्या मांग है, इन्होंने किस लिए स्ट्राइक किया हुआ है, आइए डायरेक्ट हम बात करते हैं। जी आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम रोहित पांडे है, मैं फार्मासिस्ट के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ जी। और हमारी मांगे सीधी हैं और सिंपल हैं, जो कि हो सकती है, पॉसिबल ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकती, हम जबरदस्ती का कुछ मांग रहे हैं जी। तो सिंपल सी मांगे ये है कि हमारे जो भी भाई बंधु या कर्मचारी कार्य कर रहे हैं पिछले 7 महीने से लगभग कोविड-19 में जी। तो बाकी जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ राजस्थान की तरह थे, हमें भी संविलियन में, हमें संविधान में संविलियन किया जाए। और जो भी मतलब हमारी प्रोत्साहन राशि के बारे में जो ऐलान किया गया था, जो आज 8 महीने से कहा गया और दिया नहीं गया, उसके बारे में भी कुछ सोचा जाए। और जैसे कि अभी कल हमारा आदेश आया है तो स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन में 50% लोगों को निकाल दिया, उनको पीटीएन पर रखा है और फार्मासिस्ट का पूरा ग्रुप ही साफ कर दिया है, मतलब हम विलुप्ति की प्रजाति पे आ रहे हैं। अच्छा। तो ये भी चीजें हो रही हैं, तो मतलब अगर निकाला जा रहा है, अगर काम नहीं है, खत्म हो गया कोरोना, तो सबको निकाल दीजिए, अगर है तो सबको रख लीजिए। और अब वित्तीय विभाग का बहाना है कि हमारे पास फंड नहीं है, बजट नहीं है, ऐसा कह के आप इनको निकाल दें, उनको निकाल दें। तो उस टाइम पे जब इतनी महामारी थी, जब इतने लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब हम बाहर निकल कर आए, हमने लोगों को अपनी सेवाएं दी। ऐसा नहीं था कि हम कोई यहाँ पर बहुत बड़ा वो लेकर के आए थे, सिर्फ एम यही था कि हम भी देश सेवा करेंगे जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन जब देश सेवा खत्म होगी, आपको हमारा आगे आपकी क्या डिमांड है? आगे डिमांड ये है कि हमें भी संविधान में सम्मिलित किया जाए, हम आगे भी ऐसे कार्यरत रहे, तो बस इतनी ही डिमांड है हमारी सरकार। अभी इसके लिए आप लोग किसी प्रशासनिक अधिकारी से इसके बारे में आप लोगों ने बात किया? कलेक्ट्रेट में जाएंगे, कलेक्टर से बात करेंगे, सीएमएचओ से बात करेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी लगातार स्ट्राइक करते रहेंगे। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा सर, हम लोग फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट ने बहुत अच्छा कार्य किया है, सभी दवाइयां जब डॉक्टर बहुत टाइम में नहीं रहता था, तो हम लोग अपने दायित्व का कर्तव्य प्रारंभ निर्वहन कर रहे थे। परंतु अभी जो देखा जा रहा है कि फार्मासिस्ट को बिल्कुल जीरो कर दिया गया, जो कि 1948 फार्मेसी एक्ट का खुला उल्लंघन है। जहां दवा वहां फार्मासिस्ट, ये स्लोगन है पूरा ऑल ओवर इंडिया है, जहां दवा वहां फार्मासिस्ट होना चाहिए। परंतु यहां पर स्टाफ नर्स के द्वारा, जो मैंने ये नहीं कहना चाहूंगा मैं कि स्टाफ नर्स वेल एजुकेटेड नहीं है, वेल एजुकेटेड है, बट हम लोगों ने फार्माकोलॉजी 4 साल पढ़ी है और आई नो वेरी वेल कि कौन सी एंटीबायोटिक किस कंडीशन में किस डोज में देना चाहिए। तो हम लोग उनसे ज्यादा वो है, बट यहाँ पर जीरो कर दिया गया है। तो हम लोग ये बोलना चाहेंगे सभी अपने शासन प्रशासन और जिला प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि हम लोगों को 50% नहीं, अगर आप हमको ले रहे हैं तो पूरे 100% दीजिए और नहीं ले रहे